आज हम जानेंगे एप्पल कंपनी में एप्पल से पहले कौन सा लोगो लगाया गया था और क्या सिंदूर लगाने से रियल में पति की उम्र लंबी होती है या फिर पत्नी की, मिलेगा सबका जवाब। हाय दोस्तों, मेरा नाम है गौरव बघेले और मेरे चैनल जीएस स्क्वायर पर आपका स्वागत है। यहाँ पर जीके से रिलेटेड वीडियो मिलती है और मिलती रहेंगी, तो चलो बिना किसी देरी के आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। अभी की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी यानी कि एप्पल और एप्पल के फोन सेफ्टी के मामले में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एप्पल के लोगो में आधे कटे एप्पल से पहले कौन सा लोगो लगाया गया था? तो चलो उसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो आधे कटे एप्पल से पहले सर आइजक न्यूटन की तस्वीर लगाई गई थी जब वो एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, और ये तस्वीर ये बयां कर रही थी कि सर आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज की थी और ये लोगो 1976 में लगाया गया था। अब आप कमेंट करके बताइए किस किस को एप्पल के फोन पसंद है। हिंदू परंपरा और रीति रिवाज के हिसाब से महिलाओं को शादी के बाद में सिंदूर लगाना पड़ता है ताकि उनके पति की उम्र लंबी हो, लेकिन क्या आपको पता है कि सिंदूर लगाने से पति की उम्र लंबी होती है या फिर पत्नी की? तो चलो उन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे। तो दरअसल सिंदूर में मर्क्यूरी, हल्दी और नींबू पाया जाता है और इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, तो इससे पति की नहीं बल्कि पत्नी की उम्र लंबी होती है। अगर से आपको भी किसी ने पूछा कि सिंदूर लगाने से पति की उम्र लंबी होती है या फिर पत्नी की, तो आपको इसका आंसर देते आना चाहिए। और इसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और चैनल पर नया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके से रिलेटेड वीडियो यहाँ पर मिलती है और मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।